नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं करनाल के झिंझाड़ी गांव की, जहां पर झिंझाड़ी वासी यशपाल वासन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र के व्हाट्सएप पर गांव झिंझाड़ी की साफ सफाई को लेकर कुछ फोटोज शेयर की गई, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वाइस चेयरमैन खुद वहां पहुंचे और नगर निगम के अधिकारियों व ठेकेदारियों के कर्मचारियों को बुलाकर उस क्षेत्र का मौका मुआयना किया। इस दौरान पाया गया कि साफ सफाई को लेकर नगर निगम व ठेकेदारों द्वारा लापरवाही नजर आई, जिसके लिए वहां मौजूद कर्मचारियों को लापरवाही दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए और साथ ही गांव वासियों को स्वच्छता संदेश भी दिया गया। और वार्ड नंबर 1 के पार्षद श्री नवीन जी को भी यहां मौके पर बुलाया। कई दिनों से लोगों की कंप्लेंट जो है मुझ तक आ रही थी और आज मैंने स्वयं यहां आकर के निरीक्षण किया, पाया कि वास्तव में साफ़ सफाई में बहुत सारी कमियां हैं। उन सब कमियों के लिए संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया और उनको भी ये कहा कि ये सफाई अभियान जो है, ये स्वच्छता अभियान का जो कार्य है, ये दिन प्रतिदिन का कार्य है, इसको आप निरंतर करें। और ग्रामवासियों से भी हमने ये अपील की कि भाई इसको आप केवल ये ना मानने कि साफ़ सफाई की जिम्मेवारी नगर निगम की है, प्रशासन की है, नहीं, ये हम सब की भी जिम्मेवारी है। हम सब भी इसमें अपना सहयोग करें, अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी मानसिकता ये बनाएं कि स्वच्छता जो है हम सब के लिए ज़रूरी है। एक दिन नगर निगम के लोग या सरकार या प्रशासन के लोग नहीं आएंगे तो हम सब का भी दायित्व है कि हम भी उसको स्वयं से करें। और यहाँ के एक दो लोगों ने कहा भी है कि यदि एक दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते तो हम अपने घर के सामने साफ़ सफाई स्वयं करते हैं, जो अच्छी बात है। मैं समस्त नगर निगम वासियों से ये अपील और प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता अभियान को सरकार का अभियान ना माने, ये हम सब का अभियान है, जनमानस का अभियान है, जन जन का अभियान बने। इसके लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी और अपने जीवन से और अपने व्यवहार से, अपने परिवार से इस अभियान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।